क्या हो अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और आपसे मजबूरन बहुत सारा काम करवाया जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है जो नाम के आदमी से, जो एक कंपनी में मैनेजर था। एक दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक जेल जैसी बिल्डिंग में बंद था। उसे कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। उसके आसपास ऊंची दीवारें, सामने एक लोहे का दरवाजा और कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की चक्की भी थी। बेचारा जो घबराकर मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन साथ के कमरे के कैदी ने उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा। तब जो उस जाली के पास गया और उसने इस आदमी से पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उस आदमी ने कहा कि जो को नशीली दवाई दी गई है, जिस वजह से उसे कई दिन तक बहुत उदासी महसूस होगी। उसने अपना नाम निक बताया और फिर उसने जो को आराम करने की सलाह दी, क्योंकि कल का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है। जो को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले, और तभी गार्ड ने दरवाजे के छेद से थोड़ा खाना और पानी की बोतल अंदर फेंकी। जो तुरंत उसकी ओर भागा और गार्ड को समझाने लगा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और इसीलिए उसे बाहर जाना ही होगा। लेकिन गार्ड ने उसकी एक न सुनी और छेद बंद कर दिया। इससे जो का हाथ भी जख्मी हो गया। इसके बाद जो ने अपनी टाई से हाथ पर पट्टी बांधी और खाना खाने लगा। फिर शाम को अचानक दीवार पर उसे एक रोशनी दिखाई दी और फिर एक कंप्यूटराइज्ड आवाज ने उससे कहा कि एडवांस करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसका स्वागत है। जो को फिर भी कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उसने निक से पूछा तो पता चला कि ये उनकी कंपनी की बनाई हुई एक जेल जैसी जगह है, जहां जो जैसे कई लोगों को ऑफिस में अच्छा काम ना करने पर लाया जाता है। फिर अगली सुबह जो को और खाना मिला और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां एक इंसानी कंकाल दबा हुआ था। जो काफी डर गया और एक बार फिर से जाली के पास पहुंचकर उसने निक से पूछा कि यहाँ कोई मर गया था क्या। तब निक ने बताया कि यहाँ काम करते हुए तो कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो को समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब निक ने कहा कि कंपनी में शामिल होने से पहले उन सब ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसमें उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मंजूरी दी थी। किसी ने कभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं और अब उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। इसके बाद उस कंप्यूटराइज्ड आवाज ने कहा कि जो को सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यह पत्थर की चक्की घुमानी होगी। हर चक्कर के बाद उसे एक पॉइंट मिलेगा और उसे दिन में 50 पॉइंट पूरे करने होंगे, वरना उसे सजा मिलेगी। जिस कैदी के सबसे कम चक्कर होंगे, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, फिर चाहे उसके दिन के 50 चक्कर पूरे क्यों ना हो गए हों। तब जो ने एक बार फिर से घर जाने के लिए मिन्नतें की, मगर दूसरे कमरे से निक ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अब कोई और चारा तो था नहीं, इसीलिए जो काम पर लग गया। इतनी भारी चक्की को घुमाना आसान नहीं था, पर जो ने अपनी पूरी जी जान लगा दी और दिन के अंत तक 100 चक्कर पूरे कर लिए। फिर वो थक कर सो गया, पर अचानक उसकी नींद खुली जब उसे किसी कैदी के चीखने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि उसे मौत की सजा दी जा रही थी। अगली सुबह जो निक से बात करते हुए खाना खा रहा था, तो निक को पता चला कि कल जो ने 100 चक्कर पूरे किए, निक ने उसे इतना काम न करने की सलाह दी, वरना कंपनी वाले उससे और ज्यादा ज्यादा काम करवाने लगेंगे। लेकिन जो को लगता था कि ज्यादा मेहनत करके वो जल्द यहाँ से आजाद हो जाएगा और एक बार फिर अपनी प्रेग्नेंट बीवी से मिल सकेगा। बाद में जब वो काम कर रहा था, तो उसे वो दिन याद आया जब उसने अपनी पत्नी केट को एक नया घर तोहफे में दिया था, जिससे केट काफी खुश थी। अगले दिन केट ने जो को ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन जो इसमें हिचकिचाने लगा। इस पर केट बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि जो परिवार से ज्यादा अहमियत काम को देता था। तभी अचानक अलार्म बजा और जो ने देखा कि आज उसने 150 चक्कर पूरे कर लिए थे। इसके बाद गार्ड ने उसे दरवाजे पर बुलाकर कपड़े उतारने को कहा, तो जो को लगा कि उसे मार दिया जाएगा। जो खूब गिड़गिड़ाया, पर गार्ड ने उसकी एक न सुनी और दरवाजा खुला। फिर जो को एक पूल में लाया गया, तो उसे समझ आया कि उसे सिर्फ नहाने के लिए बुलाया गया था। इसी तरह दिन बीतते रहे और जो लगातार तपती धूप में कड़ी मेहनत करता रहा। तेज धूप की वजह से वो ज्यादा पानी पीने लगा और जल्द ही उसकी बोतल खाली हो गई। उसने गार्ड से और पानी मांगा, पर निक ने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना ही पानी मिलता है कि वो जिंदा रह सके। खैर, उसने थकने के बावजूद अपना काम जारी रखा। अचानक उसे याद आया कि उसने केट से वादा किया था कि वो जैसे तैसे हॉस्पिटल का बिल भर देगी। आखिरकार दिन के अंत में वो थक कर गिर गया और तब एआई ने कहा कि उसने 370 चक्कर पूरे किए हैं। आराम करते हुए जो ने देखा कि हैंडल के नीचे एलेक्स नाम लिखा हुआ था। उसने निक से पूछा तो उसने बताया कि एलेक्स इकलौता ऐसा आदमी था जो यहाँ से जिंदा निकलने में कामयाब रहा। तभी कंपनी ने जो को इनाम में एक पेन दिया, लेकिन यह जो के किसी काम का नहीं था, इसीलिए जो गुस्से में चिल्लाने लगा। खैर, अगले दिन उसने देखा कि अब उसे दिन के 50 की जगह 370 चक्कर पूरे करने थे
उसने कहा कि वो जख्मी हाथों से इतने चक्कर कैसे पूरे करेगा, पर उस कंप्यूटराइज्ड आवाज ने कहा कि इंसान अपनी सोच से ज्यादा काम करने के काबिल होते हैं। फिर जो चक्की घुमाने लगा तो उसने देखा कि एक चक्कर करने के बाद भी उसे पॉइंट नहीं मिला। इस पर कंप्यूटर ने बताया कि उसे सजा मिली है, जिसके मुताबिक दो चक्कर लगाने पर उसे एक पॉइंट मिलेगा, जिसका मतलब उसे 370 चक्कर लगाने होंगे। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो काम में जुट गया, लेकिन अंत में उसके शरीर ने उसका साथ ही छोड़ दिया और वो गिर गया। तभी आवाज आई कि उसने आज के चक्कर पूरे नहीं किए। फिर केट की तस्वीर दीवार पर आ गई और एआई ने कहा कि अगर जो ने काम नहीं किया तो केट को भी यहाँ आना होगा। इससे जो काफी डर गया और उसने कल टारगेट पूरा करने का वादा किया। अगले दिन जो ने हैंडल को अपने कोट से ढका ताकि उसके जख्म पर दर्द ना हो, और फिर पूरे जी जान से वो चक्की को घुमाने में लग गया। एक समय बाद उसका दिमाग उसके साथ अजीबो गरीब खेल खेलने लगा। उसे वो खुद ही अपने आप पर हंसता हुआ दिखाई दे रहा था, पर जो ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार 10 बजने से कुछ पल पहले ही उसने अपना टारगेट पूरा किया। बेचारा जो बुरी तरह थक कर सो गया। सुबह उसे एआई ने तोहफे में उसकी पत्नी और बेटे की वीडियो दिखाई, जिसे देखकर जो की आंखें भर आई क्योंकि वो उन दोनों से बहुत दूर था। बाद में उसने निक से पूछा कि आखिर एलेक्स यहाँ से कैसे निकला। पहले तो निक हिचकिचाया, लेकिन जब उसे जो के होने वाले बच्चे का पता चला तो उसने जो की मदद करने का फैसला किया। उसने जो को खंभे के पीछे वाली जगह देखने को कहा, जहाँ कैमरा की नजर नहीं जाती थी। जो ने जाकर देखा कि वहाँ एक गोला बना हुआ था। असल में ये खोखली जगह थी और जल्द ही जो अपने पेन से इसे खुरे देने लगा। दिन बीतते रहे और जो खाली समय में यह छेद और बड़ा करता रहा। आखिरकार छेद इतना बड़ा हो गया कि वो आसानी से निकल सकता था। जो अंदर घुसा और उसे लगा कि यहाँ जरूर कोई रास्ता होगा, लेकिन तभी गार्ड ने उसे ढूंढ लिया और उसकी खूब धुलाई की। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि छेद फिर भर गया था और उसे अब 1000 चक्कर पूरे करने की सजा मिली थी। उधर निक ने भी उसका साथ दिया था, इसीलिए उसकी टांगे काटी जा रही थी। वो इतने दर्द में था कि वो काम नहीं कर सकता था। इससे जो को बहुत बुरा लगा और वो कुछ करने की सोचने लगा, पर निक ने कहा कि एआई इंसानों की बात नहीं समझ सकता। तब ये खुलासा होता है कि निक ने ही कंपनी के आईटी सेल में काम करते हुए इस जेल का डिजाइन बनाया था। तब जो को एक तरकीब सूझी और उसने कहा कि अगर कोई भी कैदी एक भी चक्कर ना लगाए तो सबका स्कोर बराबर हो जाएगा और फिर कंप्यूटर किसी को भी सजा नहीं दे पाएगा। फिर जो ने वहां मौजूद सभी कैदियों को काम न करने के लिए मना लिया। जल्द ही दिन शुरू हुआ पर किसी ने काम नहीं किया। पर जैसे ही दिन खत्म हुआ तो एआई ने ऐलान किया कि जिनके भी 0 पॉइंट्स होंगे उन सबको मार दिया जाएगा। इससे डर कर सब कैदी काम करने लगे और जो का प्लान नाकामयाब हो गया। तभी निक ने उसे चक्की घुमाने को कहा, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। आखिरकार जो ने समय खत्म होने से पहले एक चक्कर पूरा कर लिया, पर उसे निक के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो बिना टांगों के एक भी चक्कर नहीं लगा सका। उस रात निक ने खुलासा किया कि वो निक नहीं बल्कि एलेक्स है। उसने भी दीवार के छेद से भागने की कोशिश की थी, पर गार्ड्स ने उसे पकड़कर दूसरे कमरे में डाल दिया। उसने जो से ये बात जानबूझकर छिपाई क्योंकि उसे लगा कि शायद इस बार कोई छेद से निकलने में कामयाब हो जाए। खैर, अंत में उन दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और जो सोने के लिए लेट गया तभी उसे एलेक्स की दर्दनाक चीखें सुनाई दी क्योंकि उसे मौत के घाट उतारा जा रहा था। फिर अगले दिन एआई ने उसे एक और वीडियो दिखाई जिसमें केट थी और उसका बेटा अब चलने लगा था। ये देखकर जो को एहसास हुआ कि वो कितने समय से कैद है और वो गुस्से से तिल मिला उठा। वो कंपनी को गालियां देने लगा, पर तभी कंप्यूटर ने कहा कि ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसने जो को फांसी की सजा सुना दी। इसके बाद कंपनी के काफी लोग गार्ड के साथ वहां आए और जानलेवा इंजेक्शन तैयार करने लगे। इधर गार्ड जो कि पत्नी और बेटे के लिए भला बुरा बोलने लगा, जिससे जो गुस्से से भर उठा और उसने गार्ड को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तब एआई ने कहा कि गार्ड अपना काम नहीं कर सका, इसीलिए अब अगर जो गार्ड को मार डाले तो उसे अगले पड़ाव में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर जो रुक गया और चिल्लाने लगा कि वो कोई दरिंदा नहीं है। कंपनी चाहती थी कि वो हैवान बन जाए, मगर जो ऐसा होने नहीं देगा। तभी अचानक जो असलियत में वापस लौट आया और उसने देखा कि वो अपने ऑफिस में बैठा था। असल में ये सब एक आधुनिक वर्चुअल प्रोग्राम था जिसमें सभी लोगों को मशीनों से जोड़ दिया गया था। तभी उसका एचआर जो उसी गार्ड की तरह दिखता था, उसने जो को बताया कि उसे लग रहा होगा कि कई महीने बीत गए हैं, लेकिन असलियत में सिर्फ 1 घंटा ही गुजरा था, यानी उसका बेटा अभी पैदा नहीं हुआ और सब कुछ पहले जैसा ही है। फिर इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एचआर ने हिसाब लगाया कि जो अब तक प्रमोशन इसलिए हासिल नहीं कर पाया क्योंकि उसे ढंग से चुनौती ही नहीं दी गई थी।
जब उन्होंने प्रोग्राम में जो को मुश्किल में डाला तो उसने उसे दिए गए हर एक टास्क को पूरा किया। आखिरकार कंपनी ने जो को प्रमोशन देने का फैसला किया। फिर एचआर जो को उसका नया केबिन दिखाने ले गया और उसे नए टारगेट दिए ताकि जो और बेहतर काम करे। इसके अलावा उसने जो को एक एग्रीमेंट पर भी साइन करने को कहा जिसके मुताबिक वो आज के एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को नहीं बता सकता। उसके जाने के बाद जो ने केट को फोन किया और उसकी आवाज सुनते ही जो की आंखें भर आई। उसने कहा कि वो केट और उनके होने वाले बच्चे से बेहद प्यार करता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।